हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा जी भी राजनीतिक शोधकर्ता जुड़ गए। कार्तिकेय, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। आप किस तरह से देखते हैं अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं छत्तीसगढ़, जहां पर की एक तरफा लड़ाई की बात एक तरफा कहा जा रहा था, वहां पर बीजेपी ने इसको लड़ाई बना दिया है। मध्य प्रदेश में जहां कह रहा था कि बीजेपी पीछे है, वो रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी की टक्कर है। और राजस्थान के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी काफी आगे है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? धन्यवाद। मैं पहले साफ कर दूं, मैं इस समय सी वोटर में विजिटिंग फेलो हूं, तो मैं उस कैपेसिटी में आपके साथ जुड़ रहा हूं। ये जो छत्तीसगढ़ के आप रुझान देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सी वोटर के ट्रेंड में पहले भी आ रहा था कि 2018 में जो अप्रत्याशित जीत हुई थी कांग्रेस की, उसमें जो थर्ड फ्रंट को जो मिला था, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उसने निभाया था कांग्रेस को एक तरफा स्वीप देने में। लेकिन इस बार वो वोट जो था एंटी कांग्रेस, वो वापस बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखा, और कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। ये अभी भी कांटे की लड़ाई है, लेकिन ये ट्रेंड जो कह रहा था हमें कुछ समय से कि कांग्रेस थोड़ा सा आगे है, लेकिन अंत में कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम एग्जिट पोल्स ओवरलैपिंग फिगर दे रहे हैं, कोई भी क्लियर आंकड़ा नहीं दे रहा किसी भी एक पार्टी को। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, इस बात में बिल्कुल दम है कि कुछ समय पहले तो एकदम स्वीप लग रही थी अभी कांग्रेस की, लेकिन अंत में आते आते स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से लाडली बहना योजना हो गई, या जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे को लेकर जो कंफ्यूजन था वो अंत में आते आते क्लियर हो गया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मामला कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस कुछ इलाकों में, ग्वालियर चंबल जैसे इलाकों में जो बसपा जैसी पार्टियों ने भूमिका निभाई, उससे हो सकता है कांग्रेस को नुकसान हो रहा हो। राजस्थान, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा, इस पर अमिताभ जी के पास भी मैं आऊंगा। बसपा और जीजीपी का जो अलायंस हुआ है, क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? लेकिन हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। स्वागत है आपका नरोत्तम जी एनडीटीवी इंडिया पर। अभी तक जो रुझान आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है, भविष्यवाणी की जा रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कुछ देर पहले जीतू पटवारी जी भी हमारे साथ थे, वो ये दावा करके गए हैं कि 135 से तो गिनती शुरू करेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, आप देख लेना। मैं कोई दावा किसी की तरह नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो दावे जो लोग भी कर रहे हैं वो पिछले 20 साल से ऐसे ही दावे कर रहे हैं, और 20 साल से हमको ही ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को कभी ज्यादा वोट नहीं मिले। पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, दो दिन की बात और है मिश्र जी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री कौन होगा? चेहरे को लेकर बीजेपी ने घोषणा नहीं की, आप भी बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस नाम के लिए? हेलो हेलो हेलो, क्या आपकी भी दावेदारी है मुख्यमंत्री पद के लिए? निधि पूछ रही है आपसे। बताएं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है और हमारे यहाँ दावेदारी कोई करता भी नहीं है, पार्टी तय करती है। माननीय अमित शाह जी बता चुके हैं कि जो भी भूमिका होगी 3 तारीख के बाद वो तय करेंगे, पार्टी तय करेगी, माननीय मोदी जी नड्डा जी तय करेंगे। नरोत्तम जी, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था निधि, ग्वालियर चंबल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। नरोत्तम जी, आप जानते हैं कि आपकी भी सीट जो है थोड़ी सी मुश्किल में पिछली बार पड़ गई थी, इस बार क्या आपका आकलन है ग्वालियर चंबल में, खासतौर से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके साथ आ गए हैं? आज सभी कुछ वातावरण पक्ष में 15 से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ग्वालियर चंबल में। और ओवरऑल मध्य प्रदेश में आपका अपना फिगर क्या है, कितनी सीटें आएंगी? 125 से 150 के बीच। नरोत्तम मिश्रा जी, अगर ये क्या पक्ष बीजेपी 18 साल से यहाँ पे सत्ता में है, और एक तरह से माना जा सकता है कि भाई एक फटीक फैक्टर होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन जो बीजेपी ने अगर फाइट बैक किए, क्या आपको लगता है जो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जाती है और सेवा के काम कर रही है, लगातार वो कोशिश करती है। जब एक ऐसी योजनाएं होती है, माननीय मोदी जी के काम, माननीय शिवराज सिंह जी के काम, ये कामों को लेके हमारा कार्यकर्ता, देखिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कार्यकर्ता बहुत व्यापक स्तर पे है, और नीचे तक हमारी पेज प्रभारी तक बने हुए हैं, पोलिंग प्रभारी तक बने हुए हैं। यहाँ कांग्रेस का कोई काम ही नहीं है, नेता ही नेता है, सब हवाई है, हवा हवाई है, तो ये कहां से सरकार बनाएंगे? पर अभी जीतू पटवारी थे, वो एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा करके गए हैं यहाँ पर। वो कहकर गए हैं कि कई जो है घोटाले हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तमाम नेताओं के इन्होंने नाम भी लिए यहाँ पर। कैसे लगाते हैं वो आरोप?
ऐसा नहीं कि वो इस बार आज लगा गए, दो दिन पहले भी ऐसे ही लगाया था, छह महीने पहले, साल भर पहले, क्योंकि जनता उनको समझ गई है कि इनके आरोप हवा हवाई है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई दम नहीं है। अगर होती तो ये कोर्ट चले जाते, ये लोकायुक्त चले जाते, ये ईओडब्ल्यू चले जाते, ये मीडिया के चले जाते। जाते कि नहीं जाते आप मुझे बताओ, प्रमाण लेके मीडिया के सामने आ जाए, किसने रोका है? हाईकोर्ट चले जाए किसने रोका है? ईओडब्ल्यू चले जाए किसने रोका है? ये झूठ बोलने की खाते हैं, इसलिए चुनाव में हार जाते हैं जी। शुक्रिया आपका नरोत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 तारीख को हम आपके पास फिर से आएंगे। जो आपने अपना आंकड़ा दिया है 125 से 150 का, वो कितना सच होता है, जनता उस पर मोहर लगाती है नहीं, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो हम लगातार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करीब करीब सभी टीवी चैनल्स के रुझान अभी आ चुके हैं, और साथ ही तेलंगाना के रुझान भी थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर। आप देख रहे हैं राज्यों की जंग, अलग अलग टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल आ रहे हैं, अलग अलग रुझान इनके आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ जहां पर कि ये माना जा रहा था कि कांग्रेस आगे, वहां पर कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी इन एग्जिट पोल में की जा रही है। अधिकांश एग्जिट पोल वहां पर कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताया जा रही है। लेकिन राजस्थान की बात पहले कर लेते हैं, राजस्थान के क्या रुझान आ रहे हैं वो एक बार नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में जन की बात 100 से 122 बीजेपी को, कांग्रेस को 62 से 85 सीटों की भविष्यवाणी कर रही है। टाइम्स नाउ ETG 108 से 128 बीजेपी, कांग्रेस प्लस 56 से 72। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट का 100 से 110 बीजेपी और 90 से 100 कांग्रेस, तो इसमें बराबरी की टक्कर TV9 भारतवर्ष भविष्यवाणी कर रहा है। अमिताभ, आपको क्या लग रहा है राजस्थान में, आपका अपना आकलन क्या है और क्या एग्जिट पोल इनमें से कौन सा सही हो सकता है? देखिए, लार्जली यहाँ पे बीजेपी की बढ़त रहेगी। अब ज़रूर वसुंधरा राजे जी को नहीं डिक्लेयर किया गया है, बहुत सारे रेबल्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज भी फ्लोट कर रही हैं, तो हो सकता है कि जो पिछली बार 160 163 सीटें भाजपा जीत के आई थी वो एक अप्रत्याशित जीत थी, उतना नहीं बट 115-120 के अराउंड तो आपका एवरेज भी बता रहा है अगर हम पोल स्ट्रैट को हटा भी दें तो इतना आई थिंक, क्योंकि हर 5 साल में वहाँ सरकार बदलती है, ऐसा कोई कारण नहीं था कि इस बार सरकार ना बदले। हम लोग यहाँ बैठ करके ज़रूर अशोक गहलोत की स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, बट अशोक गहलोत जी की कोई भी स्कीम कैश ट्रांसफ़र स्कीम नहीं है, उसमें एनरोलमेंट्स होते हैं। अगर चिरंजीवी योजना का मैं कार्ड होल्डर हूँ, बीमार होऊंगा तब मैं बेनिफिशियरी बनता हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तभी लास्ट में उनको गृह लक्ष्मी की एक घोषणा करनी पड़ी की और ऐलान किया उन्होंने, प्रॉमिस किया। और 1250 रुपए की स्कीम देखिए एमपी में क्या इंपैक्ट कर रही है, एक स्कीम अशोक गहलोत की 15-20 स्कीम्स उसका। लेकिन मुफ्त बिजली, संजय जी, मुफ्त बिजली की बात हो चाहे सिलेंडर सस्ता देने की बात हो, ये सारी बातें तो जो जमीन पर दिख रही। हालांकि ये जरूर एक जोड़ देता हूं कि जिनको मिलता है उन्हें तो समझ में आता है, जिन महिलाओं को स्मार्टफोन मिला उन्हें समझ में आया, लेकिन उनका फोन देख के जिनको नहीं मिला है उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है। वो एक चीज होती है, और मुफ्त बिजली में भी कई सारे राइडर्स पहले थे जिसको उन्होंने मिनिमाइज करने की कोशिश करी है। इस पर जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए बस हो गया, तो बस में इतनी मारामारी हो गई कि उसकी भी कई बार वो समस्याएं निकल करके सामने आई हैं। दूसरी चीज ये है कि राजस्थान में कंफ्यूजन है नहीं, चाहे हम लोग उसको जिस भाषा में बोलें, वो बीजेपी वहां जीत जानी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन राजस्थान में नहीं है। वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी, ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके माध्यम से वो बाकी सारी की सारी चीज, अपने अंदर की चीजें, बाकी चीजें, इधर की चीज, उधर की चीज, उसको लेकर के वो चल रहे थे। राहुल गांधी भी सभी स्टेट गए, राजस्थान वो काफी बाद में गए। इसलिए आपका जो सवाल था, जो 3 तारीख को और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या अशोक गहलोत मतलब साल भर पहले छोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते तो उनके लिए क्या ज्यादा अच्छा होता, वो सवाल फिर से बहुत इंटरेस्टिंग। कांग्रेस के पास ओबीसी एक कैंडिडेट हो जाता पीएम। देखिए, दूसरा चीज और भी है कि ओबीसी, जहां तक बात है कि ओबीसी सर्वेक्षण की जो राहुल गांधी वो बात कर रहे हैं, इन दोनों जो भी स्टेट जा रहे हैं वहां जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो ओबीसी हैं। अब मान लीजिए कि जैसे बिहार से शुरू हुआ, तो अभी वहां चुनाव नहीं है, मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस कह रही है कि हम ओबीसी, क्योंकि ओबीसी होगा तो बाकी चीज होगा, तो क्या गहलोत साहब की सरकार ओबीसी के लिए किसी तरह लाभकारी नहीं थी?
क्या छत्तीसगढ़ में सरकार लाभकारी नहीं थी, मध्य प्रदेश की बात तो बीजेपी करेगी। तो इसलिए ये सवाल है, और वहां पे ग्राउंड पे किसी भी तरह कास्ट सर्वे उसके बाद क्या, बिल्कुल ये कास्ट की बात करते हैं जो अमिताभ आपने बात कही जो योजना को लेकर की कैश फ्लो नहीं है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपने सुना होगा जिस तरह से अमिताभ तिवारी बता रहे थे कि योजना बहुत है, लेकिन अंत में अशोक गहलोत को गृहलक्ष्मी योजना का करनी पड़ी घोषणा, क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में वो 1250 जो प्रति माह महिलाओं के लिए किया, उसका क्या असर हुआ। कैश ट्रांसफर की बात नहीं है राजस्थान में, सिर्फ योजनाओं की बात है। अगर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, बीमार पड़ने पर ही होगा। आप क्या देख रहे हैं, क्या ये कितनी कारगर नहीं थी योजनाएं जिनका ऐलान हुआ? अमिताभ जी चाहते हैं कि 50 लाख रुपए बगैर बीमार पड़े दे दो, नहीं हो सकता ना, मेरी बात समझिए। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, क्योंकि मैं तो 1.5 महीना पूरे मध्य प्रदेश में रहा, उससे पहले 15 दिन राजस्थान में रहा था बीकानेर के संभाग। वहां पर मैं दो चीजें बहुत साफ कह सकता हूँ राजस्थान के मुताबिक, कि गांव गांव में योजनाओं की चर्चा थी, महिलाओं से लेके पुरुषों तक को लेकर के, एमएलएस के बारे में अलग अलग किस्म की बातें थी, लेकिन चर्चा योजना को लेकर के, अशोक गहलोत साहब को लेकर के योजनाएं को का पॉजिटिव इम्पैक्ट था। रही बात कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो की अपनी अलग अलग चीजें होती है, हमने बाद में दिया, पहले भी हमने प्रॉमिस किया, लेकिन हम आपको एक चीज और बता देते हैं वहां पर, जो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में हमारा सामूहिक नेतृत्व तो बिल्कुल क्लियर कट एक आदमी के पीछे खड़ा हुआ था, उसका नाम था अशोक गहलोत, और राजस्थान हमेशा अपने लोकल वॉरलॉर्ड्स को चुनता है। इस बार पहली बार पिछले 35 सालों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कोई लोकल वॉरलॉर्ड्स नहीं थे। वो ये बात शुरू हुई थी आपके शेखावत साहब से लेकर के और वसुंधरा जी तक, कोई ना कोई लोकल वॉरलॉर्ड्स रहा। इस बार इन लोगों ने लोकल वॉरलॉर्ड्स को क्रश करके 2 गुजरातियों को ला दिया, जो वहां के लोग कह रहे थे, उसमें जो नाराजगी थी, आप देखिएगा इस चीज को। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं। शिवम त्यागी जी के पास चलते हैं। शिवम जी, ये बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से, चूंकि आपने इस बार कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा राजस्थान में नहीं दिया, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, ये दावा कांग्रेस की ओर से हो रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था, वहां ये दिक्कत है कि कुर्सी तो वो छोड़ना चाहते हैं गहलोत साहब, लेकिन कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अभी? जी हाँ, इस बार बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए। थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में अगर क्लासिक एग्जाम्पल लड़ाई झगड़ा और कंफ्यूजन का है कांग्रेस की तरफ से, तो वो राजस्थान है। 4.5 साल एक राज्य में, जहां राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है, वो इस तरीके से सड़कों पर मुझे लगता है शायद पहले कभी आई हो, शायद पहले कभी ऐसा हुआ हो कि एक मुख्यमंत्री ने एक उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का फोन ट्रैक कराया हो, शायद ऐसा पहले कभी मुश्किल ही हुआ होगा कि एक प्रदेश अध्यक्ष को नाकारा और न जाने क्या क्या कहा गया होगा, शायद पहले कभी मुश्किल ही ऐसा कहा गया होगा कि उसके पास 10 तो विधायक नहीं है, उसको कैसे हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये सारी चीजें प्रदेश ने देखी है, राजस्थान ने देखी है, ऊपर से देखा है अपराध, ऊपर से देखा है सांप्रदायिक दंगे, ऊपर से देखा है महिला और दलितों के खिलाफ अत्याचार, उसके बाद आप चुनाव से 2 महीने पहले किसी तरीके से समझा बुझाकर मैनेजमेंट करके कहते हैं नहीं नहीं हमारे यहां तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत शानदार सरकार चली। जैसी सरकार चली देश ने देखा, जैसी सरकार चली राजस्थान ने देखा। और आप लोकल वॉरलॉर्ड से मतलब क्या है, हमारे जो सारे नेता हैं वही के हैं भाई, जिस तरीके से सब चुनाव में एक कार्यकर्ता की तरह लगे रहे, जिस तरीके से सबने मिलकर चुनाव लड़ा, आप देखेंगे प्रचंड बहुमत किस तरीके से आता है। कांग्रेस की सरकार का एक मेजर इशू जो हमेशा से रहा है, समवे ऑर दी अदर, किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य में आप इनके चले जाएं, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो TSDF जी लगेंगे और बघेल जी आपस में चल रहा है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो करप्शन नाथ जी चाहे हो गए, चाहे फिर उसके अलावा दिग्विजय जी बंटाधार जी हो गए, और फिर चाहे उसके अलावा ऊपर का एक परिवार राज हो गया, और यही हाल राजस्थान में रहा। मैं ऐसा मानता हूं सबसे ज्यादा बड़ा मिसमैनेजमेंट कांग्रेस की कई राज्य सरकारों में अगर दिखाई दिया तो वो राजस्थान में दिखाई दिया, उसका असर भी दिखा, जनता किस तरीके से तमाम में रही, उसका असर भी दिखा जिस तरीके से। शिवम जी, आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा, क्योंकि जन की बात एग्जिट पोल जो है वो ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं हम, कि उसने ये भविष्यवाणी की है कि यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। ये जन की बात एग्जिट पोल के मुताबिक ये भविष्यवाणी की गई कि राजस्थान में बीजेपी को अपने बूते ही बहुमत मिल जाएगा, वहाँ किसी तरह का कोई ऑपरेशन करने की जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ेगी, बीजेपी को वहाँ पर स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, ये जन की बात की ओर से भविष्यवाणी की जा रही है। जी शिवम, अपनी बात पूरी कर लें। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान में पिछले 5 सालों में ये तमाम चीजें देखी हैं, उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी से आशाएं हैं, तमाम चीजें रही, और भारतीय जनता पार्टी मैं सभी आंकड़ों का सम्मान करता हूं और जाहिर है सबने बहुत मेहनत की है, और सबका सम्मान करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि हम वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस का वो राज रहा, जिस तरीके से वो तमाम चीजें रही, वो सब वहां से जाने वाले। ठीक है शिवम, आपने तमाम राजनीतिक दल दावे करेंगे। अजय सर, जिस तरह से अशोक गहलोत के लिए कहा गया कि उन्होंने जो तमाम फैसले थे खुद ही लिए, केंद्र से जो कैंपेनिंग टीम जैसे कर्नाटक में गई थी उनको वापस भेज दिया, उनकी अपनी एक कैंपेनिंग टीम थी, उम्मीदवारों पर भी वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे अगर सुझाव गए, क्या कुछ ऐसा था जिसका असर या हम देख सकते हैं रुझानों में इंगित कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के पास चांस बहुत कम था, एक ही चांस था दे अगर बीजेपी में कोई मुश्किल हो जाए वसुंधरा राजे की वजह से, वहां कोई रिवोल्ट हो जाए बीजेपी में, तो अगर वो हो गया तो फिर कांग्रेस का चांस बढ़ सकता है और शायद जीत जाए। लेकिन अगर आप ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल एक ट्रेंड दिखाता है, एग्जिट पोल में एक ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये राजस्थान में सारे जो एग्जिट पोल का रिजल्ट कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं, बीजेपी का पक्ष में है। छत्तीसगढ़ में सारे जो ट्रेंड दिखा रहे हैं सारे कांग्रेस के पक्ष है, हाँ बीजेपी के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में मिक्स्ड है तो हम बोल नहीं सकते, और तेलंगाना में अब तक जो आए सारे दिखा रहे कांग्रेस की तरफ, तो शायद तेलंगाना भी कांग्रेस। तो अब जो लग रहा है एग्जिट पोल से, ये राजस्थान बीजेपी की तरफ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस की तरफ, और मध्य प्रदेश कांटे का टक्कर है, आखिर में क्या होगा कुछ पता नहीं। यही तेलंगाना की आपने बात की, तेलंगाना की भी भविष्यवाणी की है एग्जिट पोल ने, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें बीआरएस के लिए मुश्किल हो सकती है, यह भविष्यवाणी तेलंगाना में की जा रही है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो एग्जिट पोल कराए गए हैं इनके ट्रेंड्स मिलने शुरू हो गए, अलग अलग भविष्यवाणियां ये कर रहे हैं। कहीं पर हंग असेंबली की भविष्यवाणी है तो कहीं पर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी भी की जा रही है। लेकिन तेलंगाना, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जहां पर कि आज मतदान हुआ है उसके बारे में क्या अलग अलग एग्जिट पोल भविष्यवाणी कर रहे हैं उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीआरएस जो है वो तीसरी बार सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है, तो वहाँ पर क्या स्थिति है तेलंगाना में ये भी एक बार देख लेते हैं। अगर तेलंगाना के ग्राफिक समय मिल जाए तो जी ये रहे। तो यहाँ पर 119 सीटें हैं, बहुमत के लिए 60 का आंकड़ा चाहिए। इंडिया टीवी सीएनएक्स यहाँ पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी कर रहा है, 63 से 79 सीटें। जन की बात ये कह रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है। TV9 भारतवर्ष की भविष्यवाणी भी हंग असेंबली की तरफ ही है। तो यहाँ पर सर आपके पास आना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो बात आप शुरू में कह भी रहे थे कि कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पोजिशन में है, कम से कम एक एग्जिट पोल उस तरफ इशारा कर रहा है? कांग्रेस स्ट्रांग है पहले से, इलेक्शन से पहले, लेकिन यह फिगर इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे। अब क्या देखा अभी तो थोड़ा नैरो है, हम वो 10 दिन से हमको 80 सीट आ जाएगा, 90 सीट आ जाएगा, वेव है, सुनामी है, ऐसा बात चल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिटी हैदराबाद सिटी में कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर है, ये डिफरेंस देख रहा हूँ, इतना मेजोरिटी हमको नहीं दिखा रही है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना दावे की, तो रेवंत रेड्डी को मैं आज सुबह सुन रहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने कहा कि हमारे 85 विधायक हैं, मतलब चुनाव परिणाम आने से पहले उन्होंने बोले कि हमारे 85 MLAs हैं, इनमें से कोई एक बनेगा, ऐसा है, इतना कॉन्फिडेंस है कांग्रेस को? ना हो जाएगा, बीजेपी का स्पॉइल करने के लिए इतना सीट नहीं आ रहे हैं, सो बीआरएस कांग्रेस में एडजस्टमेंट भी हो जाएगा, आपका यह टैंगल नहीं होते है, इतना फाइट नहीं होता। आप कह रहे बीआरएस कांग्रेस पे एडजस्टमेंट हो जाएगा? हो सकती है, एडजस्टमेंट हुआ, चार साल महीने से यह कारगिल जी से सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि आईएनडीआई इंडिया गठबंधन में तो शामिल नहीं हुए, डिलीबरेटली ज्वाइन नहीं किया, वह तेलंगाना में कंफ्यूजन आते हैं। तो यही था कि सब एक दूसरे से मिले हुए, यही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। कार्तिकेय बत्रा जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक शोधकर्ता। कार्तिकेय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं तेलंगाना की तस्वीर को, क्या वाकई कांग्रेस ये दूसरा दक्षिण भारतीय राज्य अपनी झोली में डाल सकती है? मैं उससे पहले आपकी इजाजत हो तो मध्य राजस्थान पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा सर, कि राजस्थान में हमारे एनालिसिस के अनुसार अभी 44 सीटें ऐसी हैं
जहां पे अन्य और छोटी पार्टियां और बागी रेस में हैं। ये जो आप कंफ्यूजन देख रहे हैं राजस्थान को, ये मोटा मोटा उसी की वजह से आ रहा है। अब तेलंगाना में अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस के पास मोमेंटम था, हवा थी, लेकिन संगठन की कमी थी। बीआरएस के पास मोमेंटम और हवा उतनी नहीं थी, लेकिन उनका बेस बहुत स्ट्रांग था, संगठन बहुत स्ट्रांग था। लेकिन अंत में आते आते जो पोलराइजेशन हुआ पूरे एंटी बीआरएस वोट का कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ, जब दिखा कि बीआरएस और बीजेपी कहीं ना कहीं एक साथ, परसेप्शन में ऐसा लगा, और कांग्रेस को टेलविंड्स मिले कर्नाटका की जीत के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और ये जो इनकी लीडरशिप रही तेलंगाना में काफी एक्टिव रही, तो उन्होंने उस एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं इफेक्टिवली कैश इन किया है। पिछले दो दिन से हम सब एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि कांग्रेस नंबर दो की पार्टी तो डेफिनेटली बन गई है, लेकिन जो लास्ट माइल डिलीवरी है, क्या वो करवा पाएगी, क्या वो बूथ पे अपने इतने वर्कर ला पाएगी कि वोटर्स को वो निकाल के उस एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश करवा पाए। अगर ये आंकड़े, क्योंकि अभी सी वोटर का आंकड़ा नहीं आया है तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, अगर हम इन आंकड़ों के अनुसार केवल जाएं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसमें सफल रही है। लेकिन अभी 3 तारीख का वेट करेंगे, और मैं तो सी वोटर के आंकड़े का भी वेट करूंगा ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन ऐसा लगता है कि हवा और मोमेंटम सांगठनिक शक्ति को ओवरकम कर गया है, जैसा कि हमने पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ देखा था। बिल्कुल, ये अमिताभ जी आपके पास ब्रेक लेना, लेकिन आपके पास आऊंगा संक्षिप्त टिप्पणी तेलंगाना के बारे में। क्या आपको लग रहा है कि अभी तक ये जो रुझान दिख रहे हैं इसमें बीजेपी उस तरह से प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखाई दे रही? अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती तो शायद बीआरएस को फायदा होता, क्योंकि जो बीआरएस विरोधी वोट है वो उस तरह से नहीं बट पाए जैसा कि बीआरएस उम्मीद कर रही होगी। ये बीजेपी सीटों के मामले में तो जो आप दिखा रहे हैं इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है, सिंगल डिजिट्स का ही बीजेपी का खुद का भी असेसमेंट है, 30 से 40 सीटों पे ही बीजेपी का फोकस है। लेकिन जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है ना, जब आप कॉन्टेस्ट कर रहा है आपका कैंडिडेट, क्या आप जाके वोटर को बोल सकते हो कि भाई बीआरएस का वोटर मुझे मत वोट करना? ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप उसको नहीं बोल सकते कि भाई सिर्फ कांग्रेस वाले मुझे वोट करो, जब वो वोट लेने जाता है तो बीआरएस का वोट भी ले रही है बीजेपी, लेगी, क्योंकि अगर बीसी कैंडिडेट बीजेपी का है और अपर कास्ट कैंडिडेट बीआरएस का है तो वहां बीसी बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि कर सकता है, क्योंकि सीएम तो बीजेपी बना रही है बीसी, तो ट्रायंगुलर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कॉन्टेस्ट। बिल्कुल अमिताभ जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, बहुत दिलचस्प है, और छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते, बने रहिए हमारे साथ। एग्जिट पोल के तहत रुझानों की बात कर रहे हैं, तेलंगाना का जिक्र कर रहे थे इस ब्रेक से पहले, बहुत दिलचस्प है वहाँ की राजनीति, जिस तरह के वहाँ से हमें संकेत मिलेंगे जो अभी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। कुछ मैं सुबह प्रचार को देखे पड़ रही थी कि किस तरह से जो प्रचार है उसको बहुत इनोवेट किया गया है, इनोवेटिव तरीके से। मतलब जी, हम जो ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि फ्लैश मॉब डांस की बात, अब जो रेवंत रेड्डी हैं कांग्रेस की तरफ से जो इंचार्ज हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ पूरा रोड शो हो रहा है, वो पूरी ताकत कांग्रेस ने अपनी तेलंगाना में लगाई है। लेकिन जिस तरह से ये प्रचार करने का तरीका था वो बड़ा अलग सा लगा, कि किस तरह से पूरा लोग किस तरह से खाली मॉल में डांस कर रहे हैं, लोगों को इंगेज करके रख रहे हैं, क्या ये बदलाव आया है? हाँ, मतलब वहाँ पे काफ़ी इनोवेटिव कैंपेन रहा है कांग्रेस पार्टी का, और क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दर काफ़ी ज़्यादा है, युवाओं में काफ़ी रोष है, और युवा इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, एआई टूल्स को यूज़ करके वहाँ पे कैंपेन किया गया है। अच्छा। रेवंत रेड्डी को आगे करने से रेड्डी समाज जो सबसे इन्फ्लुएंशियल समाज है तेलंगाना का, उसका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी की जो लीड है राहुल गांधी के खिलाफ वो 30 से 40% है फॉर पीएम कैंडिडेट, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ 5% लीड है। अमिताभ जी, आपको रुकूंगा क्योंकि इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज हम बता देते हैं। एग्जिट पोल का जो रुझान है या भविष्यवाणी है उसके मुताबिक तेलंगाना में इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है भविष्यवाणी कर रहा है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं जन की बात, उसने भी एग्जिट पोल का जो रुझान बताया उसमें वहां पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की गई है। तो जहां इंडिया टीवी कह रहा है कि वहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है तेलंगाना में, वहीं जन की बात के मुताबिक वहां पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। संजय जी, आपको लाना चाहूंगा संक्षिप्त टिप्पणी आपकी इसके ऊपर, जो तेलंगाना की बात हो रही है, अगर
ये नतीजों में तब्दील हो जाता है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। दूसरा दक्षिण भारतीय राज्य उसकी झोली में आ जाएगा और एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जो कि पिछले 10 साल से 15 साल से जमी हुई है उसको वो सत्ता से हटा देंगे। आप जो दोनों बात कर रहे हैं वो दोनों बात सही है। उसके साथ एक और भी इम्पैक्ट होगा कि कर्नाटका के बाद ये लग रहा था कि मुस्लिम वोट जो है जो कांग्रेस से बिल्कुल पूरी तरह छिटक गई थी वो रीजनल पार्टीज के पास जा रही थी, और जैसे जेडीएस से वहाँ कांग्रेस के पास वो वोट वापस आ गया। अगर यहाँ होता है तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ आ रहा है। बाकी समुदाय की भी बात है, वो कांग्रेस के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा जहाँ वो उनका डायरेक्ट फाइट या ट्रायंगुलर फाइट बाकी स्टेट पार्टनर्स है वहाँ पे होगा। प्लस एक बड़ा बूस्ट देता साउथ के दो स्टेट, मतलब कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई थी स्टेट उन्होंने दिया, आंध्रा से साफ हो गए, वाईएसआर रेड्डी ने मतलब दोनों स्टेट को जिस समय साथ में था वहां खड़ा किया हुआ था। और कांग्रेस के अंदर देखिए हर पार्टी की अपनी ऊर्जा होती है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि वो सही या गलत है। कांग्रेस के अंदर एक ऊर्जा वो आएगी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने वहां पे प्रचार किया। एक बड़ी अहम चीज जो रेवंत रेड्डी की इतनी बात हो रही थी, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी ट्रेनिंग एवीवीपी की है। अच्छा। और वो मतलब वहां जाकर के कांग्रेस में कई बार, मतलब अगर आप लार्जर संगठन की दृष्टि से देखेंगे तो एबीवीपी के लोगों की संगठन की ताकत काफी अच्छी होती है। तो एबीपी वालों का सितारा केवल बीजेपी में ही बुलंद नहीं है, कांग्रेस में भी बुलंद है, ये बात इससे निकलती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।